मैं लंच पे जा रही थी, सोचा तुम्हें साथ ले चलूं। बहुत वक्त हुआ हमने साथ लंच ही नहीं किया। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लंच करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या मेरे साथ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? बोथ। ने क्या किया ऐसा जो तुम मुझे ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया तुमने? सवाल खुद से पूछो ना। सालार, क्या दोस्ती को हब्बत में कन्वर्ट करने की कोशिश करना इतनी बड़ी गलती है? अलीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मोहब्बत का नाम कोई लेता है ना मेरे सामने, तो वो शख्स मेरे लिए बेतबार हो जाता। पर अगर ऐसा है तो सारा के होने की क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? तुम्हारा मैटर ही नहीं है। मेरा मसला है, क्योंकि आंटी ने कहा था कि जब तुम सोफी के दुख से निकलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में मैं आऊंगी। मामा ने कहा था ना? मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता था। गलत लगता था। ये जिंदगी में सारा हो या सोफिया हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक बात रही मामा की, तुमने जो तुमसे कहा है ये गिला भी तो उन्हीं से जाके है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानती इस बात को। अलीदा, तुम कोई हजार दफा भी मर के वापस जिंदा होके आ जाओगे ना मेरी जिंदगी में, तब भी मुझे हासिल नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कर लो इस बात। तुमने ना अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम ना मेरा गुस्सा और मेरा पैशन देखना। ये बात तो तुम भूल जाओगे, तुम मेरे नहीं होगे, क्योंकि ऐसा तो मैं करके रहूंगी अगर तुम जिंदी हो तो मैं भी सिद्धि आऊ। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।